बड़ी खबर आपको देंगे। पीटीआई का मजमूम, सियासी मकासद के लिए हलाकतों से मुतालिक प्रोपेगेंडा जारी है। पीटीआई एहतजाज में नाकामी छुपाने के लिए मन घड़त प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। बात करेंगे सलमान आवान, नुमाइंदा खसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, क्या पता चल सका है इस हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी वफाकी जमात होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पर है, और जिस तरह से उसके ओपोनेंट उसको एक फासिस्ट जमात कहा करते थे, एक झूठ फैलाने वाली जमात कहा करते थे, एक प्रोपेगंडा करने वाली जमात कहा करते थे, आज वही झूठ वही प्रोपेगंडा बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमें इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इनका सो कॉल्ड फाइनल कॉल जो है वो नाकाम हुई है, पीटीआई और उसके रहनुमा अपने जूते छोड़कर यहाँ पर भागे हैं, उसके बाद से इन्होंने जो एक प्रोपेगंडा है, एक फॉल्स नैरेटिव है, वंस अगेन वो बिल्डअप करना शुरू कर दिया, और उस वक्त इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई सीरियस जुर्म जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उसकी क्यादत के हाथों सरजद हो रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक फॉल्स नैरेटिव हलाकतों के हवाले से बिल्डअप किया जा रहा है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसी तरह का नैरेटिव जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त अवेलेबल लीडरशिप है, जो इस वक्त मैदान के अंदर मौजूद है या बाहर मौजूद है, जिसमें सलमान अकरम राजा जैसे सीजन लॉयर शामिल हैं, बैरिस्टर लतीफ खोसा जैसी एक सीनियर शख्सियत शामिल है, ये तमाम की तमाम शख्सियात जिसका जितना बस चल रहा है लाशों के हवाले से, जख्मियों के हवाले से प्रोपेगंडा करने में मसरूफ है। और आपने देखा कि कल लतीफ खोसा जो कि पंजाब के अंदर एक गवर्नर जैसे एक आईनी वफाकी ओहदे पर भी फायद रह चुके हैं, उन्होंने भी किस तरह से 278 हलाकतों का दावा किया, तो इंतहाई गलत मनफी प्रोपेगंडा किया जा रहा है। और इसमें जो सबसे बुरी बात है कि शहदाए फलस्तीन जिनसे पूरी दुनिया के ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसाफ पसंद सच पसर परस्त शहरियों की इंसानों की हमदर्दियां वाबस्ते हैं, उनकी लाशों को भी प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फलस्तीन की शहदा की जो जज्बे खाकी हैं उनकी तस्वीर को मोल्ड करके, उनकी तस्वीर को ट्विस्ट करके, उनकी तस्वीर को आप कह लें कि फॉर्जरी के जरिए जो है दो नंबरी के जरिए जो है वो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल से उनको लिंक किया जा रहा है, और तस्वीर को भी इस्तेमाल किया जा रहा है मन घड़त हलाकतों के प्रोपेगंडे के हवाले से, और यकीनी तौर पर ये जो रियासत दुश्मन एजेंडा है उसको दर्ज किया जा रहा है पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के तमाम तर जो पाकिस्तान के अच्छा होता नहीं देखना चाहते, वो तमाम तर कुवतें जो हैं वो चाहती हैं पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे बिलखसूस पाक फौज जो है उसके दरमियान एक खलीज पैदा की जाए, एक दरार पैदा की जाए, और बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टू बॉटम जो इस वक्त लीडरशिप है वो यही काम करती दिखाई दे रही है, जिससे साबित होता है, जिससे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों, पाकिस्तान की रियासत के दुश्मनों के एजेंडे को सर्व कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर दुनिया के कोई भी मुल्क हो वहाँ पर जो फौज है, वहाँ पर जो रियासती इदारे हैं वो अपनी कुव्वत अवाम से लेते हैं, कुव्वत का मंबा, कुव्वत का माखज जो है वो अवाम होते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त अवाम और फौज के रिश्ते को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हलाकतों की अगर हम बात करें तो चाहे वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि पेम्स हो या फिर उसके साथ साथ पॉली क्लिनिक हो, हर जगह से वजाहत आ चुकी है, हर जगह से ही सूरत हाल क्लियर की जा चुकी है कि कहीं पर भी कोई लाश इन दो हॉस्पिटल के अंदर नहीं लाई गई। पेम्स के मुताबिक 36 आम शहरी और 66 कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों को जख्मी हालत में लाया गया था, और पॉली क्लिनिक भी कल ही वाजे कर चुका था कि कहीं कोई लाश जो है वो नहीं आई, कुछ अफराद मामूली जख्मी होकर आए थे जिन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जो है डिस्चार्ज कर दिया गया था। और यकीनी तौर पर अब इस बात के अंदर कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगंडा किया जा रहा है उसके मजमूम सियासी उसके पैसे पर्दा मजमूम सियासी अजाइम हैं, मकासद हैं, और ये जो तमाम तर मकासद और अजाइम हैं ये किसी और का, पाकिस्तान के दुश्मन का एजेंडा जो है उसको सर्व कर रहे हैं, और इसका मकसद यही है कि जो खिफत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई नवेली जो क्यादत सामने आई थी, जो खातून जिन्होंने तमाम का तमाम फसाद बरपा किया और उसके साथ साथ अलीमीन गंडापुर जो कि वजीर आला होने के बावजूद वफाक पर हमला आवर हुए, उनकी जो खिफत हुई है, उनकी जो शर्मिंदगी हुई है, उस शर्मिंदगी को, उस खिफत को मिटाने के लिए अब इस झूठ का एक पर्दा जो है वो तानने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, सलमान आवान तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अपने नाजरीन को इस वक्त बता रहे हैं, कुछ मनाजिर और कुछ ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं। बता दें कि पीटीआई का मज़मूम सियासी मकासद के लिए हलाकतों से मुतालिक प्रोपेगेंडा, पीटीआई एहतजाज में नाकामी छुपाने के लिए मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियोज़ और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।